कर रहा था कि वो एक स्पैरो है न कि एक बगुला, इसलिए उसे अफ्रीका जाने की जिद छोड़ देने को कहता है। रिचर्ड गुस्से में अकेला ही कहीं चला जाता है। किकी अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंच चुका था जहाँ बहुत से बर्ड का सिंगिंग प्रोग्राम होने वाला था। वो अपनी बारी का इंतजार करता है, पर वो देखता है कि उसका गाना जो वो गाने वाला है वो कोई और पैरोट गा रहा है। वो उदास हो जाता है और रोते रोते वहां से बाहर आ जाता है। वो बाहर बैठा रो रहा होता है तभी कुछ बर्ड से कहते हुए सुनता है कि एक स्पैरो समुद्र पार करके अफ्रीका जाने का सोच रहा है। वो समझ जाता है कि वो रिचर्ड ही है। वो तुरंत उसे बचाने के लिए भागता है। वो ओल्गा से मिलता है और कहता है कि रिचर्ड समुद्र पार करना चाहता है, उसकी मदद करनी होगी। ओल्गा के किपे बहुत गुस्सा था इसलिए वो उसे उठाकर वहीं पटकने लगता है। किकी उसे सॉरी बोलता है और फिर वो दोनों रिचर्ड के पास पहुंचते हैं जो एक ऊंचे से पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाने वाला था। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता और कूद जाता है, पर बहुत जल्द ही वो नीचे गिरने लगता है। ओल्गा और